तो भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी पहली न्यूज़ आ रही है रौनक से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि रौनक अभी कॉम्पिटिटिव स्क्रिम्स नहीं खेल रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि उन्होंने टीम फैनेटिक छोड़ दिया है। तो इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए रौनक ने अपने स्ट्रीम पर कुछ ये कहा। कॉम्पिटिटिव मतलब स्क्रीम्स हो गए कुछ जो है, मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसलिए मैं अभी थोड़ा रैंक पर इंक्रीज करूँगा, खेलूँगा। सर दर्द कर गया मेरा, मेरे को इसके लिए चला ले स्टार। थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो गाइस बार बार मत पूछो आप लोग भी कि रौनक तू क्यों नहीं खेल रहा, नहीं है गाड़ी, मेरा खुद का डिसीजन था ये। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है अर्जुन तेंदुलकर और मॉर्टल से रिलेटेड। तो यार, अर्जुन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट Q&A सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो टीम सोल को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने स्काउट पे रिएक्ट करते हुए बताया कि वो बहुत OP खेलते हैं। इसके अलावा उन्होंने मॉर्टल और डायनोमो पे रिएक्ट करते हुए बताया कि वो दोनों के फैन हैं और दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्टल फोन पे खेलते हैं और डायनोमो एमुलेटर पे। दोनों ही अपने फील्ड में लेजेंड है। और यार, मॉर्टल को जब ये बात पता चला तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था। तेंदुलकर सोल को फॉलो करता है? अरे मैं थोड़ी ना बोला हूँ, कॉल पे कोई बोल रहा है। रियली? क्या मॉडल? अर्जुन तेंदुलकर सोल को फॉलो करता है? चेक व्हाट राइट, कुछ स्टोरी डाला पता नहीं, कोई तो बोला चाहे। हमारी अगली न्यूज आ रही है घातक और टीम इनसेन से रिलेटेड। तो यार, अभी जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चल रही है टीम इनसेन की, उस पे घातक रिएक्ट करते हैं और क्या कुछ कहते हैं आप खुद ही सुन सकते हैं। भाई इनसेन के स्कैम के बारे में ओपिनियन दो प्लीज। गाइस देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, जो भी चीजें हुई है वो उनके अंडर हुई है, मतलब उनको ही पता है वो जो चीजें। ओए ओए, हेलो हेलो, कौन? उनको ही पता है जो भी चीजें हुई है, उनको ही पता है। जब तक पूरा कलूजन नहीं निकलता तब तक मेरे उनके साथ बात चल रही है। हमारी अगली न्यूज आ रही है ओरम से रिलेटेड। तो यार, ओरम ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने फेनेटिक के ड्रॉप पॉइंट के बारे में बताया है और भी काफी चीजें एनालाइज करके बताया है। तो उसका एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। टीम्स रोटेट करती हैं, तो टीम जैसे आएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो ये पोटैटो हिल से आके कोचिंग की नहीं जाएगी, वो जो चूज करेगी अगर ऊपर से भी जाएगी तो वो यहाँ फील्ड से ही जाएगी। फील्ड से आएगी तो भी हम लोग, हमारा एरिया ये वाला है, ऐसे में हम लोग स्प्रेड रहने का प्लान होता है। तो अगर आप फील्ड से जा रहे हो आपको तब भी स्प्रे पड़ेगा, अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आपकी डायरेक्ट फाइट होगी, अगर आप रोड से जा रहे हो तो आपके पास कंपाउंड स्लैम करने के अलावा ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि आप स्प्रे डाउन हो गए, जैसे कि सेल्स वो यहाँ पे कंपाउंड पे रुक गई थी। और अगर आप नीचे से जा रहे हो, यहाँ से एज से होते हो ऐसे, तो भी आप पे स्प्रे होने का चांस रहेगा, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा कैप्चर्ड है। तो ये है अपना रीज़न ये ड्रॉप पे खेलने का, एक एक्सेसिबिलिटी मिलती है, एक ये खुद आपस में चोक पॉइंट बन जाता है। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। हमारी अगली न्यूज आ रही है मैक्सटन से रिलेटेड। तो यार, मैक्सटन से किसी ने पूछा कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स इतने पैसे स्पेंड करते हैं स्किन्स के लिए। तो यार, इस चीज का जवाब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिया, और उन्होंने कहा कि वो स्टूपिड हैं और वो कार्डिंग करते हैं। तो यार, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।